व्हाट्सअप गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द लवर, जो 1992 में रिलीज की गई थी। और जहाँ तक मूवी की स्टोरी की बात की जाए, कहानी बेस करती है एक 15 साल की लड़की जैन के ऊपर, जिसे 32 साल के एक चाइनीज लड़के से प्यार हो जाता है। इसके बाद इनकी कहानी का क्या अंजाम होता है आज हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत को दिखाते हुए, जो हमें लिखकर कुछ बता रही होती है। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर जैन को देखते हैं, जो 15 साल की होती है, जो एक स्कूल स्टूडेंट है, और उसकी फैमिली में इसकी माँ और दो भाई है। जैन की माँ एक स्कूल टीचर है, मगर जैन अपने बड़े भाई का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ईगो दिखाता रहता है और अपने छोटे बहन भाइयों को परेशान करता है। और जैन ये बात अपनी माँ को बताती है, पर उसकी माँ उससे कुछ नहीं कहती। जैन अपने घर आई हुई थी क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी, मगर अब स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो रही थी, इसलिए वो अपने स्कूल वापस जा रही थी। और उसकी माँ उसे छोड़ने के लिए उसके साथ आती है, और फिर जैन बोर्ड से निकल कर वहाँ पर देखने लगती है। तब कार में एक अमीर चाइनीज लड़का बैठा होता है, और फिर वो लड़का जैन के पास आता है और उसको सिगरेट ऑफर करता है, मगर जैन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। उस लड़के का नाम टोनी होता है, और वो उसे बताता है कि वो इसी गांव में रह रहा है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ सकता हूँ। और फिर जैन उसकी बात मान जाती है और उसके साथ कार में बैठ कर चली जाती है। कार में जाते हैं, वो एक दूसरे से बातें तो करना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और तभी जैन उसे बताती है कि मैं 17 साल की हूँ, और तभी टोनी उसे भी पता अपनी एज बताता है कि मैं 32 साल का हूँ। और फिर इनके अंदर के कीड़े बिलबिलाने लगते हैं और टोनी इसका हाथ पकड़ लेता है, मगर जैन को इस बात से कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी टोनी को पसंद करने लगी थी। जैन टोनी को इसलिए अपनी एज गलत बताती कि टोनी भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने सके, और फिर टोनी जैन को हॉस्टल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैन की लाइफ में कोई आया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इसलिए वो एक्साइटेड एक और अपनी फ्रेंड को सारी बात बता रही थी। नेक्स्ट डे जैन जब स्कूल जा रही होती है, तो उसे टोनी की कार दिखाई देती है, जिससे वो उसके कार के करीब जाती है और उसके ग्लास पर किस करके वहाँ से चली जाती है, जिससे टोनी भी काफ़ी खुश हो जाता है और उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि वो भी उसे पसंद करती है। शाम को स्कूल ख़त्म होने के बाद बाहर फिर से जैन टोनी को देखने लगती है, मगर टोनी वहाँ नहीं होता। अगले दिन जैन अपने स्कूल की छुट्टियाँ के बाद अपने फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे बाहर टोनी की कार दिखाई देती है, और वो उस कार में जाकर बैठकर वहाँ से चली जाती है। और फिर टोनी उसे एक प्राइवेट रूम में लेकर आता है, और वो कहता है कि ये तुम जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जगह है, और यहाँ के माहौल से वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या होता है। टोनी जैन की एज को काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि जैन उसकी एज से काफ़ी छोटी थी, जिसके बाद टोनी उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है। और फिर जैन उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो मुझे पता है, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ गपागप करो। और ये सुनते ही टोनी काफ़ी खुश हो जाता है, और वो उसके साथ पूरा दिन गपागप करता रहता है। और फिर जैन टोनी को बताती है कि मेरे पापा की डेथ के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, और जिसके बाद टोनी को यह लगने लगता है कि जैन ने मेरे साथ गपागप से पैसे के लिए किया है। जिसके बाद जैन कहती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिस पर टोनी कहता है कि क्या मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, तो जैन इस बात के लिए उसे मना कर देती है। और इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद टोनी कहता है कि हमारे चाइना में एक रूल है, क्योंकि मैं एक चाइनीज और मेरी शादी भी किसी चाइनीज से ही होगी, और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जैन खुद को बहलाने के लिए बोलती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, और ये मैं बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है जिसे मैं तुम्हारे साथ गुजार रही हूँ। और फिर रात में हम देखते हैं कि जैन रो रही होती है, क्योंकि उसे टोनी से सच्चा वाला प्यार हो गया था, मगर अब जैन उसे ये बात नहीं बता सकती थी। और अब जैन स्कूल जाने के बहाने टोनी के पास जाकर पूरा दिन गपागप किया करती थी। एक दिन जैन की मॉम उसे टोनी के कार से आते हुए देख लेती है कि 3 दिन तक कहाँ थी, जिसके बाद वो अपने फैमिली को बताती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, और जिसके बाद उसके घर वालों उससे कुछ भी नहीं बोलते, और यहाँ हमें यह पता चलता है कि उसकी फैमिली काफ़ी लाल थी। अगले दिन जैन टोनी से मिलवाने के लिए अपने घर वालों को लेकर जाती है, जहां टोनी इसकी फैमिली से बात करता है, मगर उसे टोनी की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सब लोग बस खाने के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें बस टोनी के पैसे में इंटरेस्ट था, और टोनी इनके बिहेवियर को देखकर सब कुछ समझ जाता है, और वो उन्हें कुछ पैसे देता है। और अब जैन की फैमिली को टोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और टोनी जैन के साथ दबाकर गपागप करता है।
एक दिन जेन टोनी को बोलती है कि मेरी मम को कुछ पैसे की जरूरत है और टोनी भी उसे पैसे दे देता है क्योंकि टोनी पैसे के लिए जेन को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद उसकी मम बारिश में आकर पैसे लेकर जाती है और अब स्कूल में सारी लड़कियां जेन से दूर रहने लगी थी क्योंकि अब इन्हें पता चल गया था कि जेन कैसी लड़की है, मगर जेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर जेन टोनी को बताती है कि मुझे आगे की स्टडी के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा और तब टोनी अपनी माँ की डायमंड रिंग देता है ताकि रिंग को देखकर वो टोनी को याद कर सके। इसके बाद टोनी अपने पापा के पास जाकर जेन के बारे में सब कुछ बताता और कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और मुझे उसी से ही शादी करनी है, मगर उसके पापा उसे मना कर देते हैं। और उसके बाद टोनी अपने पापा के साथ हुई सारी बातें जाकर जेन को बताता और कहता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन जेन उसे शादी से मना कर देती है। और जेन को लगता है कि अगर टोनी ने भागकर शादी की तो उसके पापा उसे प्रॉपर्टी नहीं देंगे। इसके बाद घर आने के बाद जेन की माँ उसके हाथ में डायमंड रिंग देखती है और उसे पूछती है कि तुमने ये डायमंड रिंग कहाँ से लेकर आई हो, और वो उसे डायमंड रिंग ले लेती है। अगले दिन जेन का भाई काम के लिए बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों भाई बहन काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इनका बड़ा भाई बहुत ही बदमाश था जो इन्हें बहुत परेशान किया करता था। इसके बाद जेन टोनी से मिलने जाती है जो काफ़ी सैड था क्योंकि कुछ दिन के बाद उसकी शादी होने वाली थी, जिस पर जेन उससे बोलती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुमसे मिलती रहूँगी और मैं तुम्हें ही दूँगी, मगर टोनी फिर भी रोता रहता है। और अब जेन फ्रांस जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जहां उसकी माँ उसे बताती है कि फ्रांस जाने में हमारी पूरी मदद टोनी ने की है, जिस पर जेन टोनी से मिलने के लिए जाती है और पूरा दिन उसका इंतज़ार करती रहती है, मगर वो वहां पे नहीं आता। और फिर फ्रांस जाते हुए उसे टोनी की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि टोनी उसे मिलने आया है, लेकिन टोनी वहां पर भी नहीं आता। और ये देखकर जेन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और अब कहानी प्रेजेंट में आता है और जेन अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और जेन अपनी कहानी लिखकर हमें बता रही होती है। और फिर उसे टोनी का कॉल आता है और वो कहता है कि शादी के बाद भी और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। मूवी